बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम की सभा में हंगामा हो गया। सीएम नीतीश कुमार की सभा में कुर्सियां चली। नौकरी की मांग को लेकर सीटीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सीएम और डिप्टी सीएम के सामने कुर्सियां चलाते दिखे लोग। सभा में कुर्सियां चलने से भगदड़ मच गई। तो सीटीईटी के अभ्यर्थी हैं, ये नौकरी की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में एक सभा कर रहे थे, तेजस्वी यादव उनके साथ थे, तभी ये सब होने लग गया। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रुपेश कुमार के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, ये क्या मामला है? चुनावी सभा है मुजफ्फरपुर के सिंहू में, विधानसभा के चुनाव होना है और उसी के लिए चुनाव प्रचार करना, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ पहुंचे थे और चुनावी सभा हो और 10 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा करने वाले भी सामने हो और 20 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले भी अगर सामने हो तो सीटें जीते तो फिर भी जो पटना में लाठी खाते हैं, पिछले लगभग 29 दिन से धरने पर बैठे हैं और 3.5 साल से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, वो हंगामा करने वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि पटना में जब ये धरने पर बैठे हैं, जब प्रदर्शन करते हैं तो इनके ऊपर लाठियां चार्ज होती है और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उनके आंदोलन में खुद आकर शामिल होते थे और नीतीश कुमार को बुरा भला कहते थे। इस सरकार को जो युवा है उनका उनके विरोधी बताते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ सरकार के रूप में यहाँ शामिल है और चुनावी रंग से जहाँ से वायदे पे वायदे किए जा रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जाहिर सी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनावी वादों का जवाब देना पड़ रहा है नेताओं को और उसी के तहत सीटीईटी अभ्यर्थी नौकरियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सभा में इस तरह हंगामा करते हैं।